12 नहीं बजे, लेकिन तुम सबके मुंह पे क्यों बज गए? नाना जान, मुझे लगता है ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ, वो कुछ बात कर रहे होते हैं और मैं पूछता तो मुझे कुछ भी नहीं बताते। वालेकुम सलामी जान, कैसे हो? वालेकुम सलाम बेटा। बच्चों, इतनी छुट्टियों के बाद आज का दिन कैसा रहा? और शेरी कहाँ है? वो अंजुम बाबा को अपनी रुदाद सुना रहा है। मैं तो दादा जान और वली को मिस कर रहा हूँ। दादा जान से याद है, कल हमारी ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग है। दादा को तो मैं भी मिस कर रहा हूँ। आप लोग दादा जान को कॉल करके बुला लेना, वो आ जाएंगे। अरे बेटा, अभी कल ही तो गए हैं वो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बच्चों, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कल हमारी ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग है और दादा जान कल ही गए हैं। ओह, ये बात है। आइडिया। शेरी बेटा, क्या हुआ? आराम से। वो मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास भी एक आइडिया है। पहले मैं बताऊंगा। यार, अब बता भी दे, क्या सस्पेंस है, अब बता भी देना आप लोग। हम स्कूल अंजू बाबा और बुआ को साथ लेकर जाएंगे। मेरी बुआ। हाँ भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी अंजू बाबा और बुआ आपके दादा दादी जैसे ही तो हैं और आपके गार्डियंस भी हैं, तो आप इनको जरूर लेके जाओ और अपने टीचर से भी मिलवाओ। Yes! देखो बच्चों, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? बुआ, आप तो हमारी हर बात मानती है ना, प्लीज। बेटा, हर बात मानती तो हूँ, पर देखो आपके टीचर्स हमसे सवाल करेंगी और हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या कहोगे, किंजुम बाबा और बुआ गूंगे हैं? ओहो, आप फिक्र क्यों करते हैं, हम हैं ना, हम आप दोनों को सब कुछ सिखा देंगे। और वैसे भी आप दोनों को तो कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप दोनों नहीं जाएंगे ना, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। देखो हाजरा बेगम, बच्चों के दिल टूट जाएंगे, कितने प्यार से कह रहे हैं ये, मान जाओ। अंजुम बाबा जिंदाबाद। बहुत प्यारे, बहुत ग्रेट अंजुम बाबा, ग्रेट। तुम्हारे दादा ही लग रहे हैं। ठीक है, ठीक लग रहा हूँ। चले। प्यार की शौकिया अपनों का साथ है, शरारत है हमाकत है और ख्वाब अपने, आओ मिलकर खुशियां समेट ले हम और ले बुजुर्गों की दुआएं हम सभी। प्यार की शौकिया अपनों का साथ है, शरारत है हमाकत है और ख्वाब अपने, आओ मिलकर खुश। Thank you.
संपत्ति। चलिए अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बात करें। जी तो बुआ, याद है ना आप हमारी दादी जान की तरह यानी ग्रैंड मदर, और आप हमारे दादी जान हैं यानी ग्रैंड फादर, तो बोले ग्रांड नहीं ग्रांड मदर ग्रैंड, आप बोलो ग्रांड फादर। नहीं नहीं ग्रैंड ग्रैंड, हाँ वो जो आप मिसाला पीसती है ना, ग्रैंड ग्रैंडर से ग्रैंड ग्रैंड फादर, हाँ ग्रैंड मदर, हाँ और मैं ग्रैंड फादर। भाई बच्चों मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं हमारी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। अरे हमारी प्यारी बुआ क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि टीचर्स तो आप लोगों से मिलकर खुश होंगी। हाँ देखो ना बच्चे हमें सिखा रहे हैं ना, तो आप अब मान जाओ। ठीक है, और मेरी एक बात तवज्जो से सुने कि वैसे तो आप दोनों ने उर्दू में ही बात करनी है, लेकिन अगर टीचर कोई ऐसी बात कर दें जिसका जवाब आपको अंग्रेजी में देना पड़े तो उसके लिए कुछ अल्फाज याद कर लें। जैसे आपने शुक्रिया अदा करना तो आप बोले थैंक यू। ये तो बहुत आसान है, मुझे तो आता है, थैंक यू। वेल डन। और अगर खाने पीने की चीज से मना करना हो तो आप कह सकती हैं नो थैंक यू, मतलब थैंक यू से पहले नो लगा दें। नो थैंक यू, नो नो पीछे नो थैंक यू, आसान है ये सब। और किसी के पास से गुजरते वक्त या किसी को बुलाने से पहले कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, आपको नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी। मुझे नहीं आता, ये आप ही बोलिए। अगर टीचर आपसे उर्दू में कहें आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने भी इसका जवाब उर्दू में देना है। और अगर टीचर आपसे इंग्लिश में कहें नाइस टू मीट यू तो आपने कहना है लाइकवाइज। क्या कहना होगा? लाइकवाइज, लाइक वाइज, लाइट वाइज, लाइक लाइक वाइज, लाइक लाइक वाइज, हाँ लाइक वाइज, लाइक वाइज जी। भाई बच्चों ये अंग्रेजी तो रहने ही दो, हम उर्दू में ही कह देंगे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं नहीं हमें पता है टीचर इंग्लिश में बात करती है, वो बड़ी शौकी है। बुरी बात चिंटू, टीचर्स के बारे में ऐसे नहीं कहते। चलो छोड़े, अब आपको कुछ वर्ड्स तारीफ करने के लिए सिखाते हैं। अगर आपने तारीफ करने के लिए कुछ वर्ड्स कहने हो तो आप कह सकती हैं कि ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है और ओबीडिएंट है। ये किन बच्चों की बात हो रही है? हमारी। ये लाइन स्किप करें, आगे चलें। इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चलो बच्चों, हमने बहुत तैयारी कर ली, बाकी हम संभाल लेंगे। अब आप लोग भी निकलने की तैयारी करें। जी ठीक है, मुझे भी कॉलेज से देर हो रही है। हाँ स्कूल बंद हो जाएगा। अंजुम ये देखो ये बच्चे ये एकदम से जाकर कपड़े भी बदल आए हैं। अच्छा ये जो हमें गाड़ी में बिठा के गए थे कि 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, कपड़े तब्दील करने गए थे। आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। हमें जो अम्मी ने कहा हमें वही ठीक लगा। हाँ। ना डैडी। ये कितना बड़ा है आप लोगों का स्कूल है। अरे वो देखो सनिया राय वाले लोग भी आ गए। चिंटू कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। कौन कौन आयो? मैं मेरी नानो। अच्छा कहाँ पे हैं?
वो सामने बैठी हैं। चलो मिलवाओ ना। बच्चों मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहानी की शक्ल में बात जल्दी समझ में आती है। टीचर, ये हमारे अंजुम बाबा और ये इनकी मिसेस हमारी बुआ। दे आर जस्ट लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक ठाक हैं। नाइस टू मीट यू बोथ। वाइस वाइस जी। बुआ के कहने का मतलब है कि हम सब बच्चे बहुत वाइस हैं। आए ना, आइए हम आपको बाकी स्टाफ से मिलवाते हैं। एंड साथ आप सर फ्रेशमैन भी। फ्रेश हम सुबह से ही फ्रेश हैं जी, यहाँ के तो और फ्रेश हो गए हैं। ठंडे ठंडे मशीनें चल रही हैं। जो आप लोग एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ। दानी तुम्हारे दादा वो भी तो आए हुए थे, वो क्यों नहीं आए? वो चले गए, इसलिए अंजुम बाबा और बुआ को ले। अच्छा, हमारे आज के बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। एनी गेस? जी, हमारे ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, शयान, रेहान, आयमा, एहसन। किसी को पता है? कोई बता सकता है? मिस्टर एंड मिसेस अंजुम। आप इनको भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। प्लीज पुट देम अ बिग हैंड। जी हाँ, वैसे तो आप सब ही ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात है जो हम सब टीचर्स को बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये वाला कपल तो बेस्ट है। क्या बात है, इनकी बातें तो हमारे दिलों को छुई हैं। और यही नहीं, बच्चे जो कुछ करते हैं वो रोज़ आके यही बोलते हैं, जी ये तो हमारे अंजुम बाबा ने कहा है, ऐसा हमारी बुआ सिखाती हैं। वाकई में रियली आप दोनों ने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। और अब हम प्रिंसिपल साहब को बुलाते हैं कि आपको अपने हाथों से स्टेज पे आके ग्रैंड पेरेंट्स का अवार्ड दें। कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों में से कोई भी? आइए प्लीज। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी, इस काबिल समझा। बच्चों मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहानी की शक्ल में बात जल्दी समझ में आती है। कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे उसकी माँ ने सफर पर रवाना करते वक्त 40 अशर्फियाँ उसके कुर्ते की अंदर वाली जेब में सी दी और साथ ही नसीहत की कि बेटा कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। तो बच्चा सफर पर रवाना हो गया। अभी ये काफिला थोड़ी ही दूर गया था कि डाकुओं ने आन घेरा, लूट मार करने लगे। जब बच्चे के पास आए, तलाशी ली, तो उसके पास कुछ नहीं निकला। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो बच्चे ने सच बोला, कहा कि मेरे पास 40 अशर्फियां हैं,
मेरी माँ ने कुर्ते की अंदर वाली जेब में सी दी है, तो वाकई अशरफिया मौजूद थी वहाँ। वो बच्चे के सच बोलने पर बहुत हैरान और बेहद शर्मिंदा हुए और उन्होंने लूट का सारा माल वापस कर दिया और चोरी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। अंजुम आप भी कुछ कहे ना आगे। सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों, हाजरा ने आपको एक कहानी सुनाई। क्या आपको मालूम है कि वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने सुना कि सच में कितनी ताकत होती है। मेरा आपको ये पैगाम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी सच का दामन नहीं छोड़ना, हमेशा सच बोलते रहना। शुक्रिया, या देख रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं यार बच्चों, प्लीज शोर मत करो, तुम लोग भी कुछ पढ़ लो। अंजुम बाबा जल्दी आए, शेरी भाई और रयान भाई हमें पेंट से मारे हैं और सनी भी उनके साथ मिल गया, बुआ से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इन्होंने हमेशा हमें अपने घर का ही फर्ज समझा, हमें ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम मुलाजिम हैं और वो मालिक हैं।